इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। न्यू ट्रेविसाइट आई ड्रॉप एक दवा है जिसका उपयोग ग्लूकोमा वाले वयस्कों में आंखों में दबाव और आंखों में उच्च दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। यदि आपकी आंख में दबाव बहुत अधिक है तो यह आपकी दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे संभावित रूप से अंधापन हो सकता है। यह आंख के अंदर से रक्त में द्रव प्रवाह में मदद करके काम करता है। न्यू ट्रेविसाइट आई ड्रॉप का इस्तेमाल अकेले या आंखों की अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दबाव कम करने के लिए किया जा सकता है। अपने चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से इस दवा का उपयोग करें। यदि आप इसका उपयोग बंद कर देते हैं तो आंख में दबाव बढ़ सकता है और आपकी दृष्टि को नुकसान पहुंच सकता है। पहली बार इस्तेमाल करने से पहले अगर सील टूट गई हो तो कभी भी बोतल का इस्तेमाल न करें। सुनिश्चित करें कि आप कॉन्टैक्ट लेंस को हटा दें यदि आप उन्हें पहनते हैं, और उन्हें वापस रखने से कम 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। इस दवा के सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स में ओकुलर हाइपमिया, कम दृष्टि, आंखों की परेशानी, विदेशी शरीर की सनसनी, आंखों में दर्द और आंखों में खुजली शामिल हैं। यदि आप ऐसे किसी भी दुष्प्रभाव का अनुभव करते हैं जो आपको परेशान करता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे आपको कुछ दुष्प्रभावों को कम करने या रोकने के तरीके बता सकते हैं या कोई अन्य उपचार सुझा सकते हैं। यदि आपकी दृष्टि धुंधली है या आपकी दृष्टि में कुछ समय के लिए अन्य परिवर्तन है, तब तक गाड़ी न चलाएं जब तक कि आपकी दृष्टि स्पष्ट न हो जाए। यह आमतौर पर एक अल्पकालिक दुष्प्रभाव है। अगर आप गर्भवती हैं, गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं या स्तनपान करा रही हैं तो न्यू ट्रेविसाइट आई ड्रॉप का इस्तेमाल न करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।